हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का। फटाफट से मैं आप लोगों को मुद्दे की बात बताता हूँ। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, यानी कि AISSEE 2022 का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है कल रात को ही। अभी मैं आप लोगों के इस वीडियो में फटाफट से बताऊंगा कि कैसे आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है अपना, गूगल क्रोम या जो भी आप वेब ब्राउजर यूज करते हैं। और उस वेब ब्राउजर में आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो गूगल सर्च है उस पर जाके आपको लिखना है AISSEE और इसको गूगल सर्च करना है। ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, नीचे जाना है, इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AISSEE लिखा है। इसके ध्यान देना है कि इसके ऊपर में ये जो लाइन लिखी हुई है वो क्या सही है कि नहीं है। यहाँ पर लिखा है AISSEE.NTA.NIC.IN, यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी को खोलना है, बाकी कहीं और नहीं जाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। आप नीचे जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड क्लिक करने वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको एक नया वेब पेज खुलेगा जो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इसमें तीन चीजें आपको भरनी है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंटर सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन कुछ और नहीं, ये जो नीचे में लिखा हुआ है ग्रीन कलर से 66YY4L9, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है सेम टू सेम एग्जैक्टली। और ऊपर में एप्लीकेशन नंबर आपको ऑलरेडी आपको पता है, जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन PDF मिला होगा उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, और आपका डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है। ये भरने के बाद आपका डाउनलोड एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं एक डेमो की तरह एक एप्लीकेशन नंबर और एक डेट ऑफ बर्थ भर के आपको बता देता हूँ। तो मैं आप लोगों को फटाफट से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसके बाद आने वाला है ऑप्शन। एप्लीकेशन नंबर लिख लेता हूँ मैं फटाफट से। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ आप फटाफट से भर सकते हैं, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता ही होगा कि आपने जन्म कब लिया है। ये वही डेट ऑफ बर्थ भरना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था। उसके बाद देखें तो क्या होता है, सिक्योरिटी पिन भरना है। सिक्योरिटी पिन भरने के लिए आप जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ पर उस ग्रीन कलर को सेम टू सेम छाप दीजिए, और यहाँ पर आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये ऑलरेडी जिस बच्चे का ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसने अंडरटेकिंग यहाँ पर सबमिट कर रखा है। अंडरटेकिंग क्या है ये सबमिशन मैं बता देता हूँ। आप जब पहली बार खोलेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए तो आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या आपको कोरोना है, क्या आप किसी कोरोना वाले के साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं। उसमें यस नो करने का आंसर आता है, वो आप भर सकते हैं अपने से। और जैसे ही आप सक्सेसफुली आप क्लिक करेंगे सबमिट करके तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली, और नीचे लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। डाउनलोड एडमिट कार्ड क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, ऐसा कुछ पेज आएगा। कुछ नहीं करना है, आसान है, ऊपर में यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है, इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ पर आप नीचे जब तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर नीचे जाने पे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स, ये सब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको क्या क्या पहन के जाना है, आपको कैसे कैसे आपको पेन ले जाना है, कौन सा आईडी प्रूफ ले जाना है, ये सब लिखा हुआ है। इसका डिस्कशन मैं अगले वीडियो में बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।